श्री हरिशरणम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीवद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ श्रेष्ठालिभिश्यव्यमानो स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिशरणम्। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच तत्व शास्त्र में सुने जाते हैं। उनमें ईश्वर विभु चैतन्य है तथा जीव अनुचैतन्य है। दोनों नित्य ज्ञानादि गुण विशिष्ट तथा अस्मत् शब्दवाच्य है, अर्थात परमात्मा तथा जीवात्मा के लिए सर्वनाम रूप में अस्मत् शब्द प्रयोग होता है। प्रकाश की स्व प्रकाशता की तरह ज्ञान के ज्ञातृत्व में कोई विरोध नहीं है। उनमें ईश्वर स्वतंत्र स्वरूप शक्ति विशिष्ट है। वह प्रकृत्यादि में शक्ति रूप से प्रवेश करके उसके नियमन के द्वारा जगत की सृष्टि करता है। जीव के भोग तथा अपवर्ग का दाता भी वो है। वो एक होकर भी विभिन्न भावों से अभिन्न होकर भी गुण गुणी और देह देही भाव से विद्वानों की प्रतीति का विषय होता है। वह व्यापक होकर भी प्रेम अंजन युक्त भक्ति नेत्रों से ग्रहणीय है। अखंड एक रस होकर अपने चिन्मय स्वरूप आनंद को प्रदान करता है। श्रुति कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नान्यत् सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमात्येव विजिज्ञासितव्यमिति। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्य श्रोत्रव्यो निदित्यासितव्यो मैत्रेयीति। शास्त्र में कहा गया है, जो विपुल सुख स्वरूप है, जिसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है, वो भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप है, वही जिज्ञास है। हे मैत्रेयी, आत्मा ही अर्थात परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय है तथा मनन करने का योग्य और निदिध्यासन का भी विषय है। यहाँ निदिध्यासन जिज्ञासा है, अर्थात वही ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। यहाँ संशय यह होता है कि वेद को पढ़ने वाला तथा धर्म को जानने वाले व्यक्ति की ब्रह्म जिज्ञासा उचित है या नहीं। सोमपान से मनुष्य अमर हो जाता है, चतुर्मास्यायज मनुष्य अक्षय शुक्रशाली हो जाता है इत्यादि श्रुति वचनों से धर्मों के द्वारा अमरत्व तथा नाश रहित सुख की प्राप्ति होने का सुनने में आती है। अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है, इस प्रकार पूर्व पक्ष मत देते हैं। श्री वेद व्यास श्री वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र की अवतारणा करते हैं। कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो श्रीमद भागवत ब्रह्म सूत्र का प्रकृत भाष्य है। श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य रूप में ही श्रीमद भागवत को समाधिस्थ होकर आविर्भूत किया, ताकि अल्प बुद्धि मनुष्य असाधारण ब्रह्म सूत्र के तात्पर्य को समझ सके। अधिकारी, संबंध, विषय तथा प्रयोजन, इन्हें अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। निर्मल चित्त श्रद्धालु व्यक्ति इस ब्रह्म सूत्र के अधिकारी हैं। पर ब्रह्म वाच्य के साथ ब्रह्म सूत्र का वाचक संबंध है। पर ब्रह्म श्री गोविंद इसके प्रतिपाद्य विषय हैं और समस्त अनर्थों की निवृत्ति पूर्वक भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार करना इसका प्रयोजन है।
विपुल सुख स्वरूप पर ब्रह्म ही जिज्ञास्य वस्तु है। दूसरी और श्रुतियों में अनेक पुण्य कर्मानुष्ठानों को सुख का कारण बतलाया गया है। अतः यहाँ संशय उठता है कि परब्रह्म जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है। जब उन पुण्य कर्म अनुष्ठानों के द्वारा सुख का अमरत्व प्राप्त हो सकता है, इस संशय का समाधान करने के लिए ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र का प्रारंभ करते हैं। अथ अर्थात अनंतर या इसके बाद, अतः अर्थात यहां से इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ करते हैं। यहां अथ और अतः शब्द क्रमशः अनंतर तथा हेतु भाव में है। अनंतर इस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा उचित है, यह अक्षर योजना है। जिसने विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया है तथा जिसने आपातः वेद का अर्थ जान लिया है, जिसका चित्त आश्रम भीत कर्मों से तथा अग्निहोत्रादि कर्मों से विशुद्ध हो गया है तथा जिसने तत्ववित व्यक्ति का संग प्राप्त करके पुत्रादि काम्य कर्म समूह को परिमित अनित्य फलदायक है ऐसा जान लिया है तथा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख चिन्मय अक्षय अनंत है और नित्य ज्ञानादि गुण विशिष्ट एवं नित्य सुख का कारण है ऐसा जान लिया है, उस विद्वान के लिए काम्य कर्मों का परित्याग करके चतुर्ध्यायी ब्रह्म सूत्र से ब्रह्म जिज्ञासा करना उचित है। यहाँ शंका उठती है, जब वेद के अध्ययन से ही यह प्रतीति हो सकती है एवं अध्ययन से ही अर्थ का बोध होने के पश्चात काम्य कर्म के परित्याग में तब ब्रह्म की उपासना में बुद्धि प्रवर्तित होती है, तब ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता क्या है। इस शंका का समाधान करते हैं इस प्रकार कि आपाततः प्रतीयमान अर्थ में संशय विपर्जय रहता है, उससे वास्तविक वस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ अध्ययन के द्वारा संशय विपर्जय नाश हो जाने पर परमार्थ वस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जाती है, इसलिए अध्ययन आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य है कि वर्णाश्रम भीत कर्म समूह चित्त शोध कहने के कारण ज्ञान के अंग रूप है। बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है, उस परमात्मा को ब्रह्मचारीगण वेदानुवचन के द्वारा, गृहीगण दान तथा यज्ञ के द्वारा और वनवासी गण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त करते हैं इत्यादि। मुंडक श्रुति में भी कहा गया है, सत्य तपस्या जपादिक ज्ञानंगों से सम्यक ज्ञान तथा तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति ने भी कहा है, मंत्र जप के द्वारा ब्राह्मण कृतार्थ हो जाता है। वो मंत्र जापी ब्राह्मण अन्य यज्ञादि करे चाहे न भी करे, वह सिद्ध हो जाता है, ऐसा मैत्र ब्राह्मण में कहा गया है। तत्वित व्यक्ति का प्रसंग भी ज्ञान का कारण होता है। नारदादि मुनि ऋषिगणों ने सनत कुमार आदि के प्रसंग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और श्री गीता में कहा गया है, ज्ञानी तत्वित गण उस ज्ञान का उपदेश करते हैं जब बार बार प्रणाम आदि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उनसे इस तत्व की जिज्ञासा की जाए। काम्य कर्म समूह अनित्य फल को देने वाले हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, इस पृथ्वी में कर्मार्जित फल जिस प्रकार क्षय को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार परलोक में स्वर्गादि पुण्य फल भी क्षयशील होता है। एकमात्र ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। मुंडक उपनिषद कहते हैं, कर्म उपार्जनकारी लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कर्म को अनित्य जानकर मुमुक्षु व्यक्ति वेदवेत्ता गुरु के निकट जाकर उपार्जित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करे। अनित्य कर्म के द्वारा नित्य वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तैतरीय श्रुति में भी कहा गया है, ब्रह्म अक्षय अनंत सुख स्वरूप है, ब्रह्म अनंत ज्ञान रूप है, ब्रह्म आनंद रूप है,
ब्रह्म के नित्य ज्ञानादिक गुण समूह अश्वेतास्तोत्र उपनिषद में भी कहा गया है। भगवान की स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया आदि की विविध पराशक्तियां सुनने में आती हैं। वे सबके शरण्य तथा सुहृद भी हैं, विभू हैं तथा भाव से ग्रहणीय हैं। गोपाल तापिनी उपनिषद में नित्य सुखद गुणों का उल्लेख है। तृतीय अध्याय में काम्य कर्मों की हेयता कही जाएगी। अतः शिक्षादि षडंग के द्वारा तथा उपनिषद के साथ वेद समूह का अध्ययन कर आपाततः उसके अर्थ से अवगत होकर तत्वित प्रसंग से जगत को अनित्य जानकर उसने उसमें विरक्त हो जाना चाहिए। उससे विरण तथा नित्य ब्रह्म को विशेष रूप से जानने के लिए ब्रह्म सूत्र में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। वेद का पूर्व मीमांसा कांड उत्तर मीमांसा कांड की भूमिका है। पूर्व मीमांसा में काम्य कर्मों का विधान है, उससे शांति सत्व शुद्धि या चित्त शुद्धि होती है। अतः उस कर्म कांड के अभ्यास के बाद क्या करना चाहिए, इसके उत्तर में उत्तर मीमांसा कांड ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करता है। कर्मों का फल नाशवान है, परंतु ब्रह्म ज्ञान का फल अक्षय और अनंत है। अतः काम्य कर्मों के बाद स्वाभाविक श्रद्धालु मुमुक्षु में ब्रह्म की मीमांसा की जिज्ञासा उठती है। वेदाध्ययन से संशय विपर्जय नाश हो जाता है, किंतु जो शाश्वत अनंत सुख स्वरूप सत्य स्वरूप पर ब्रह्म श्री गोविंद हैं, उनकी प्राप्ति के लिए उनके स्वरूप तत्व को जानने की भी परम आवश्यकता है। तत्वज्ञानियों से जिज्ञासा करने पर वे शरणापन्न श्रद्धालु शिष्य को परब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान उपदेश करते हैं। केवल काम्य कर्मों के करने के बाद चित्त शुद्धि हो जाने पर परब्रह्म श्री गोविंद के सत्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, अतः उसकी जिज्ञासा करना परम आवश्यक है। उस जिज्ञासा का लक्ष्य कर आगे बतलाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।